ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के पार्ट की, और ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो पहला वीडियो हमारे पुनर्जागरण से संबंधित था, और दूसरा हमारा वीडियो धर्म सुधार आंदोलन से रहेगा। तो क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन क्या था, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताइए। थर्ड है, 95 थीसिस या 95 मान्यताएं क्या है? अपना फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, मार्टिन लूथर की धर्म सुधार आंदोलन में भूमिकाएं। फिफ्थ है, पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? सिक्स्थ, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम बताइए। सेवन्थ, मार्टिन लूथर के पूर्व के धर्म सुधारकों का योगदान बताइए। एट्थ, प्रति धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हो? नाइन्थ, इंडलजेंस या पाप मुक्ति पत्र क्या है? टेंथ, नियति का सिद्धांत या मनोनयन की अवधारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, मजहबी न्यायालय या एक्विजिशन न्यायालय क्या है? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, सोसाइटी ऑफ जीसस के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेंट परिषद के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, लॉलार्ड्स और योगनर्ट्स कौन थे? तो इस तरह दोस्तों, मैंने आज धर्म सुधार आंदोलन के टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए आपको, और आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट धर्म सुधार आंदोलन कवर होगा आरएस मेंस के लिए। और दोस्तों, मैं आगे भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आप इन क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करें और आप अपना प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से ही हमारे आरएस मेंस की एक तरह से टेस्ट सीरीज की तरह भी ले सकते हैं, और आप अपने आंसर राइटिंग करके अपने जो लेखन शैली उसमें सुधार कर सकते हैं, तो जो कि आपको आरएस मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।